सभी हमारे व्यूवर्स देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम पेश हो। आए दिन लगातार हम सियासी लीडर्स या सामाजिक कारकुंस उनसे इंटरेक्शन करते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्बिस्तान की अगर बात करें, हर एक साइड की जो है हालात वाकयात पे जो है गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मीर हमीदुल्ला गुरैसी साहब, जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है बांडेपुरा से और फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं दर्दशीन ट्राइबल माइनॉरिटीज जम्मू एंड कश्मीर। इनसे आज गुफ्तगू करते हैं क्योंकि बहुत अरसे के बाद आज हमने इनसे गुजारिश करी कि थोड़ा सा वक्त जो है हमारे साथ बिताए, ताकि हमारे व्यूअर्स जो हमारे लद्दाख से है या बाकी अदर रियासतों से है, उन तक जो है थोड़ी सी नॉलेज पहुंच जाए कि सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में। थैंक यू हमीदुल्ला साहब। डायरेक्ट मेरा सवाल है, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है बांडेपुरा से, कश्मीर में अगर आप देखें फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं आप दर्दशीन ट्राइबल माइनॉरिटीज के, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रहे आप, क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी ने दावे किए थे आज तक वो कभी कहीं से भी आपको लगता है कि पूरे किए गए? बीजेपी के ये 10 साल हो गए, मुझे तो बीजेपी में ज्वाइन किए हुए 4 ही साल हो गए। एक दफ़ा हमारा जो ये टोड़ा 370 का एबॉलिश किया, उसके बाद ये कोविड का जो मसले हुए, मैं कह रहा हूँ हमारे वहाँ पे कुछ काम हमने इन्हें बता दिए थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी चीज़ है, चॉपर फैसिलिटी है। मुझे लगा हमारी पास्ट गवर्नमेंट से बेटर बीजेपी ने वहाँ पे किया। क्या किया है थोड़ा सा आपने कहा कि लाइक मैंने कुछ चीज़ें बताई, थोड़ा सा वाजह कर दीजिए क्या किया। मैं गुरेज को लेके बताऊंगा आपको, फिलहाल मैं गुरेज पे ही फोकस करूंगा। जो 1993 से मैं एनसीटी में हूँ, मैं कांग्रेस का स्टेट ऑर्गेनाइजर भी रहा हूँ। मैंने उस वक्त टेकअप किया था, नरसिम्हा राव जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, माधवराव सिंधिया जी थे हमारे, राजेश पायलट जी होम मिनिस्टर थे। गुरेज में मैंने पहले लद्दाख के लिए गुरेज रोड का किया, उसके बाद हमें असम्बली मिली, लेकिन हमारी जो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी थी वो बहुत कम, बहुत नाकारा थी, बिल्कुल एक कंपाउंडर की वहाँ पे देखभाल करता था, जिससे हमारी फीमेलिस का बड़ा वो एबॉर्शनज होते थे, बाकी चीज़ें हेमोरॉइड्स वायलेशनज होते थे, और जब पेशेंट को वहाँ से उठाना होता था हमारे पास सुविधा थी ही नहीं। आज़ाद साहब के टाइम पे मैंने ही इस पे किया, चॉपर सर्विस का किया, कुछ थोड़ा बहुत चला, लेकिन ये बीजेपी के टाइम पे हमें बेस्ट फैसिलिटी चॉपर की मिली वहाँ। हमारा पेशेंट कहाँ भी था एकदम पिक करके हमने, मैंने इस पे ज़्यादा फोकस कर लिया, मैंने गवर्नर से टेकअप किया कि भाई चॉपर इस तरह होना चाहिए, ये उस तरह होना चाहिए। सुनो क्लियरनेस, कोरकबल चकवाली 3 रीजन है, 3 कंजलवन ब्लॉक है, तिलेल है, गुरेज है, इनको कनेक्टिविटी उन्होंने करी। तीसरा, हमने इनके साथ मुद्दा उठाया, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी को लिखा था कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान का जो मुद्दा है, जिसमें हमारा सिल्क रूट, हमारा ट्रेडिशनल सिल्क रूट हुआ करता था कश्मीर, exactly. जो गिलगित से होके हमारा, अनफॉर्चुनेटली पहले 1947 में जो अननेचुरल डिवीजन हमारा हुआ, उस वक्त 1947 यून रिजोल्यूशन के तहत ऑप्शन दिया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान को हिंदुस्तान का फौज रहेगा, उसके जेर निगरान, फिर यूएन इसमें बताएगा क्या ये हिंदुस्तान के साथ रहे, इलाहाक हिंद कर रहे हैं, इलाहाक पाकिस्तान कर रहे हैं, या इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन उसमें पहले ही जो पाकिस्तान की इंक्रोचमेंट इसमें होगी और हमारी लीडरशिप की, उसके में जीरो इम्पॉर्ट, मैं फारूक साहब का भी वो आग बगुला होता है, क्योंकि जीरो इम्पॉर्टेंस जी 1947 में शेख साहब ने, मैं बोल रहा हूँ सिंहासन हथियारने के लिए, शेख साहब ने जीरो इम्पॉर्टेंस दी गिलगित बल्तिस्तान। तीसरा बड़ा खिता, वी आर हैविंग 12 लाख पीपल ऑफ दर्दशीन एंड 10 लाख पीपल ऑफ बल्टी पीपल आर इन पीओके गिलगित एंड अस्करदू। हमारा डिवीजन हुआ, हमारा कश्मीर एक जो ऑल जे एंड के था, एक पक्का कश्मीर जो था, मजबूत बड़ा कश्मीर था, उसके टुकड़े हो गए 1947 में जो अननेचुरल ये डिवीजन हुआ एंड पॉक में, तो हम उस बिजनेस से गए। इस वक्त कश्मीर की अगर हम ले लेंगे, आपने तरक्की की बात की, क्या किया बीजेपी ने, अब देखो मुजफ्फराबाद रोड हमारा था, हमारे क्राइसिस ऐसे हो गए, मुजफ्फराबाद रोड होने के बावजूद भी थोड़े से फ्रूट ग्रोवर्स वगैरह वो उसमें ट्रेड कर रहे थे। हमारा बेसिक ट्रेड जो है आज चाइना उसमें इन्फिल्ट्रेशन कर चुका है, आज पाकिस्तान और उनका कॉरिडोर बन रहा है, वो कॉरिडोर कश्मीर का है, वो कॉरिडोर भारत का भी है।
अगर ये कह रहे हैं हम जी गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, ये एक अमित शाह जी की, मैंने उससे पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब और अमित शाह जी को ये लिखा हुआ था भाई गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, इस तरह हो गया, क्योंकि हमें कश्मीर को देखना है। हमारी कश्मीर की इकोनॉमी तब से अभी बहुत काफ़ी ख़त्म हुई है, हमारे लोग काफ़ी, मैं ग्रास रूट पर जब जाता हूँ देखता हूँ इकोनॉमिकली इस वक्त बिल्कुल लोग मुसीबत में, बैंक डिफॉल्टर्स हो गए, क्योंकि बार बार कश्मीर का मुद्दा, कभी हड़ताल, कभी स्ट्राइक, कभी ये मसला, कभी वो मसला। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे बिजनेस जो कश्मीर का था वो ख़त्म हुआ। अगर ये सिल्क रोड हमारा रहा होता, इस पे गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट या कश्मीरी जो हमारी लीडरशिप ने फोकस किया होता, आज कश्मीर एक अच्छा, ट्रेडिशनली हम बहुत रिचेस्ट होते। तो आपको भी लगता है कि लाइक सेंटर की भी उसमें गलती है, क्योंकि सरकार की अगर देखिए, चलिए बीजेपी की तो 10 साल से तो कर रहे हैं ना। नहीं, वो तो 10 साल से बिचारे कर रहे हैं, ये तो इसमें तो 10 साल में क्या कुछ नहीं बदल सकते थे। नहीं, अब इनको कहीं फ्रंटों में, बीजेपी को, मैं बीजेपी का स्पोक्समैन की हैसियत से भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे, उनकी खामियां भी बोलूंगा, क्योंकि देखो खामियां हमें भी हैं, खामियां हर एक में होती है। इस वक्त इन 10 साल में चाइना चैलेंज कर गया, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होगी, इनकी जो पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कश्मीर या बॉर्डर पे या लद्दाख बॉर्डर पे या हमारे हिमाचल बॉर्डर पे फोकस नहीं किया हुआ था। हमारे पास फॉरेस्ट जो थी, हमारे पास फॉरेस्ट स्ट्रेंथ जो थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत वीक थी। मैं गुरेज में एक बार एक पिकट पे गया तो बोला यार हमारे यहाँ स्टोर नहीं, बैंकर ठीक से नहीं, अगर मार्टर फायर करते हैं हम शिकार होते, ये लिखो। मैंने लिखा, मैंने उस वक्त मनमोहन जी को लिखा, मैंने चिदम्बरम को लिखा एज ए ऑर्गेनाइजर, कांग्रेस ऑर्गेनाइजर, भाई है हमारी फौज की ये हालत है। इस हिसाब में इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, आज चाइना को भारत चैलेंज कर सकता है। आज हर हर कंट्री जो हिंदुस्तान के मुकाबले में खड़े हो जाएगी, कम से कम उनकी भी खैर नहीं रहेगी इसमें। ये बीजेपी, आपने चाइना की बात करी, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, आपने चाइना की बात करी कि चाइना को मुकाबला कर सकती है हमारी सेना, कर सकती है हमारा देश, कर सकता है। हिमाचल के अंदर आपने रिसेंटली रिपोर्ट्स देखे कि कितने मीटर्स जो है चाइना ने वहाँ पे एक विलेज खड़ा कर दिया है। देख लीजिए, ये गलती यहाँ पे हमारे, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है, ये भी लिखा हुआ है कि भाई गुरेज में हमारे 47 में रेफ्यूजीज आए हैं, तिलेल हल्के रेफ्यूजी, मैंने परसों भी एक लेटर प्राइम मिनिस्टर को कुछ दिन हो गया मेल किया हुआ है कि हमारे उन विलेजरों को हमारा तहसीलदार जा रहा था भाई तुमने सरकार में जमीन में बनाया हटाओ, जबकि हमें ये पॉलिसी अब अडॉप्ट करनी चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इस पर तवज्जा देना चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको कंस्ट्रक्ट करो, वो हमारी सरजमीन है, हमारे लोग हैं, उनको मजबूत करो, जैसा चाइना कर रहा है। हमें हर जगह चाइना को फेस, चाइना ने हमारा सिल्क रोड ख़त्म कर दिया, वो तो गिलगित बल्तिस्तान का है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आए परसों जुलूस निकले। आज ये 2 साल से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ है, चीन के खिलाफ है, क्योंकि सिल्क रोड जम्मू कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक ये एक जो हमारा ऑल जेंड के है, ये इनका हक है, इसमें इनका ट्रेड होगा। अगर चीन वहाँ पाकिस्तान कर रहा है तो इंडिया क्यों नहीं करेगा, इंडिया का भी उतना ही हक है। जब तक ये डिस्प्यूट हम सुलझा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या तरीका होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि पाकिस्तान अगर वहां ट्रेड कर रहा है तो इंडिया भी कर सकता है, इंडिया अगर कर सकता है तो क्या करना चाहिए? इंडिया कर सकता है, इंडिया को मैं बोल रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को बैनुल अकवाम में जाना चाहिए, इस पर 1947 यूएन रेजोल्यूशन, गिलगित के लोग बोल रहे हैं, अभी उनके रिप्रेजेंटेटिव पीएम के साथ आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए वहां से गिलगित बल्तिस्तान के, कि भाई हमारा, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, जो 1947 यूएन रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान की फौज पीछे हटने के लिए उन्होंने कहा है उस वक्त। तो अगर पाकिस्तान वेल विशर है कश्मीर का, हमारे नौजवान मारे जाते हैं, हमारे नौजवान ड्रग एडिक्ट हुए, हमारे नौजवान को हमारी कुछ हम लीडरों की गलती है जो हमने उनको मिसलीड किया, उसमें मैं कश्मीर का नौजवान बेस्ट था, कश्मीर की कौम बेहतरीन है। मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान में पूरा घुमा हूँ, जितना हमदर्द कश्मीरी है, यहाँ हिंदू आते हैं, हमारे लोग मोज़े भी लगाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, घर में भी ले लेंगे, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, अंग्रेज़ हो, यहूदी हो, यहूदी मैंने फैमिलीज देखी हमारी डल लेक में, यहूदी आते हैं उनको भी वो एक गेस्ट को मेहमान नवाजी के लिए, वैसा कश्मीर में पूरा वर्ल्ड में नहीं। तो ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ, देखो कश्मीरों से प्यार करो, कश्मीरों को समझो, कश्मीरों को गुस्से से काम नहीं करने का, कश्मीरी को प्यार देंगे। कश्मीरी ने, हम गुरेज से आते थे भाई, जब रास्ते बंद होते थे
दो दो महीने कश्मीरी हमें वहाँ बिठाते थे, खाना खिलाते थे, जगह देते थे, पना देते थे। तो उस वक्त जब जब गुरेज से यहाँ गोड़ू पे आते थे, ये हमारे बुजुर्गों ने मुझे बताया। तो इसमें हॉस्पिटलिटी की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी, राजनाथ जी और जो भी हमारी वहाँ की लीडरशिप है, कश्मीर के प्रति, नौजवानों के प्रति प्यार करो, एक उनको दिखाओ सच्ची हमदर्दी जो दिल में आपकी है वो दिखाओ। देखो गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी ऐसे ही है, वार लीडर्स है, वैरियर्स हैं। हमने मुगलों को 3 जंगों में शिकस्त दिया, यूसुफ शाह चक को नहीं भूलना चाहे मोदी जी को। महाराजा जो हमारा कश्मीर है, करण सिंह जी के पापा जी, महाराजा मीर के साथ जब जंगे हुई इनको भी काफ़ी जंगों में शिकस्त खानी पड़ी। तो ये आपस में भी हुए थे, राजा महाराजा आपस में जंगे करते थे। भाई गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने इस वक्त हिंदुस्तान का साथ देना चाहा और वो सच्चे लोग। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बींग एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन होने के नाते, युवा को रोज़गार मिलेगा, दिल्ली की दूरी दिल की दूरी को दूर किया जाएगा, जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर पे, 22% 22.2% अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा अभी तक हिस्ट्री में, पहले पे नंबर पे गुजरात, वहाँ पे 30 है क्योंकि उतनी बड़ी गुजरात स्टेट भी नहीं है, लेकिन कश्मीर एज कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर देखें 22% इट मीन्स कि हमारी आबादी कुल मिला के अगर देखा जाए 1,30,00,000 की है, और अगर उसको 22% देखा जाए वो 36,00,000 के आसपास बन जाता है, और अगर 36,00,000 में हम माइनॉरिटीज़ देखें कम से कम 10,00,000 भी ले लें तो तब भी जाके 25,00,000 जम्मू कश्मीर के युवा बेरोज़गार है। वो 50,000 नौकरियाँ, 1,000 नौकरियाँ, 10,000 नौकरियाँ, वो जो भाजपा की तरफ से दावे किए गए थे वो कहाँ हैं? ये आपने अच्छा सवाल किया। ये खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बार बार बोलते थे, या भाजपा के वहाँ के वरिष्ठ नेता जो वहाँ से इस पे कहते थे कि हम एक नया कश्मीर, हम कश्मीर में ये चीज़ करें वो चीज़ करें, उन्होंने बोला हुआ है और वो होगा। कब ये तो आप देखिए ना, देख लीजिए मैं बता दूंगा। मैंने देखा है बीजेपी जो बात करती है, इन्होंने जो बात किया गिलगित बल्तिस्तान को हम लेंगे तो लेंगे, ये देख लीजिए। इन्होंने फौज का वो बोला हम मयार बढ़ा देंगे, इनकी कुव्वत बढ़ा देंगे, फौजी कुव्वत बढ़ा दी। लेकिन देख लो ना, 3 साल हुए हमें कोविड में लॉकडाउन, पूरा वर्ल्ड बंद हो गया, वर्ल्ड ट्रेड बंद हो गया, और इस वक्त भी हर घर को राशन पहुंचाई। मैं गुरेज में था, मैं कश्मीर में था, मैंने हर जगह पता किया भाई आपको फ्री राशन, 3 महीना 3 महीना 3 महीना ये मिली। 3 साल नवंबर से वो बंद हो गया, नवंबर तक तो उन्होंने ऐलान, नवंबर से तो बंद हो गया ना, नवंबर तक ही, पिछली बार भी नवंबर तक जब लॉकडाउन कट पीरियड, नवंबर से तो बंद हो गया ना। तो वो फिर से करना चाहे प्राइम मिनिस्टर को, अभी पाकिस्तान को भी चावल गुंदुम दे। नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान तो हम क्यों पाकिस्तान की बात करें, वी आर लिविंग इन द इंडिया। आप सही कह रहे हैं, मेरी बात सुने, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान अपने मुल्क है, वो क्या कर रहे हैं उधर, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान के आईन को फॉलो करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें गलत हो रही है, मैक्सिमम कश्मीर को देना चाहिए। कश्मीर 90 से फेस कर रहा है, हमारा शटडाउन, चाहे मिलिटेंट एक्टिविटी होती थी, बंद करो जी बंद करो, हड़ताले करो हड़ताले। हमारा यहाँ पे इस वक्त 80% लोग डिफॉल्टर्स है, बैंक डिफॉल्टर्स है। परसों से सीतारामैया जी एक बात कर रही थी डिफॉल्टर्स पे, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर को मैसेज देना चाहता हूँ, देखो कश्मीर के लिए एक पैकेज दे दो। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कितने पैकेज अभी तक दिए गए हैं वो ग्राउंड पे दिखे? नहीं, वो दिखने चाहिए, वो दिए कहीं? आपको लगता है जितने पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया, एक पैकेज ऐसा बता मुझे, वो आपको याद होगा 14,000 करोड़ का पैकेज, उसके बाद 3,000 करोड़ का पैकेज आना चाहिए। उन्होंने कमांडमेंट किया है, उनको ग्राउंड में ये साबित करके देना चाहिए। चलो हम कोविड को लेकर चलते हैं, आज कोविड की वजह से यहाँ तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 महीने तो हम घर से बाहर नहीं, मैं खुद नहीं निकल सका, मैं खुद गुरेज का दौरा नहीं कर सका, मैं खुद लद्दाख जाना था वहाँ नहीं जा पाया। हमारी कुछ कौमी अपनी गिलगित बल्तिस्तान के ये मिशन से मैंने चाहा था कि मैं इंटरेक्शन करूँ अपने सहयोगी लीडर्स जो हैं वहाँ, करगिल के हैं, लेके हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। बुद्धिस्ट लीडर हैं हमारे, शिया लीडर हैं, सुन्नी लीडर हैं, हम मिलके गिलगित बल्तिस्तान और ये पूरा जो हमारा और जम्मू कश्मीर का जो ये थर्ड लार्जेस्ट पार्ट है, इसके लीडर मिलके बात करें। ये कोविड की वजह से हम ये कर नहीं पाए। आपकी ओर से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मैसेज करना चाहता हूँ, देखो कश्मीर में जो भी प्रोजेक्ट्स आपने उठाना चाहा है उसमें दे दो, बेरोजगारी का मसला है, कश्मीरी युवा से मोहब्बत करना चाहिए। पिछले दिनों वो एक वायलेंस हुई, मेरा दिल बड़ा तंग हो गया उससे, कि जो वो बच्चों ने हमारा करते हैं नौजवान, क्योंकि प्रोवोक 1947 से हमारी लोकल लीडरशिप ने प्रोवोक एक गलत किया, हिंदुस्तान में जाके वहाँ जय हिंद किया, यहाँ आके बोला भाई मसले कश्मीर,
ये हमारी गलतियाँ हैं, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, जो मेरा नौजवान आज हर जगह जलील खार हो रहा है, ये मैंने परवरिश नहीं की, मैंने उसको गाइड मिसलीड किया, मैंने सही से अपने नौजवान को लीड किया होता जैसे हमारे फारूक साहब हैं, शेख साहब। मैं आपको एक चीज़, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ आप से पूछना चाहूँगा, हम कश्मीर के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान के आइन को फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान से जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उनका कहना है कि हमें कश्मीर से, कश्मीर के आवाम से लगाव है, लेकिन आपको लगता है कि जैसे बाहर के सिटीजन्स के साथ व्यवहार किया जाता है हिमाचल बाकी सर, वैसे कश्मीरी के साथ किया जाता है, और अगर वो कश्मीरी के साथ लगाव करना चाहते तो आपको लगता है कि वैसा बिहेवियर कश्मीरियों के साथ भी होता है जैसे बाहर के स्टेट्स के लोगों के साथ होता है? कश्मीर में टूरिस्ट्स आते हैं, हर स्टेट से आते हैं, थ्रू और वर्ल्ड आते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब और हिंदुस्तान की आवाम के लिए खुद मैंने बताया ना मैसेज है, यहाँ पंडितों की डेथ होगी, जनाजा मुसलमानों ने उठा के ले गए। ये गुजरात वालों के लिए भी है, ये बम्बई वालों के लिए भी है, गोवा वालों के लिए भी है, जम्मू वालों के लिए भी है, हर एक के लिए। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीरी मुसलमान की बात कर रहा हूँ। कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तानी है और हर मुल्क के लिए बेहतर है। इसने कभी नहीं चाहा है कि मैं क्रिश्चियन को अलग देखूं, हिंदू को अलग देखूं, सिख को अलग देखूं। सिखों का जनाजा कश्मीर में उठाते, गुरेजी तो नहीं आए, मैं दर्दशीन से हूँ, मेरा कोई दर्दशीन नहीं आया, लेकिन कश्मीरी बोलने वालों ने यहाँ हर एक के लिए अच्छा किया है। ये एक मैसेज खुद कश्मीर दे रहा है मोदी जी के माध्यम से पूरे भारत के लिए कि भारत के ये कश्मीर जो है ये हिंदू का भी है, हिंदू का भी हमदर्द है, सिख का भी है, जैन का, बौद्ध का, अमेरिका के लोगों का, जापान के, चीनी लोगों का, हर एक का, हर एक के लिए इसकी भावनाएं अच्छी हैं भाई, हर एक के साथ ये वो ना वो दिल से प्रेम करते हैं। तो मेरी मैसेज है सारे भारत के लोगों के लिए, इस भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, देखो भाई कश्मीरी आवाम से इसी तरह प्यार करो। ये हमारे साथ मौजूद थे मीर हमीदुल्ला गुरेजी साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू करी, क्योंकि बहुत सी यादें थी, स्पेशली एक चीज़ को लेकर हमने गुफ्तगू करी, सिल्क रूट को लेकर, जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है यहाँ की सरकार को, सेंटर की, मरकज़ की सरकार को, और जितने भी हमारे जहन में सवाल थे आवाम को लेके हमने कोशिश करी इनसे पूछने की, उम्मीद करते हैं कि इन्होंने हर एक सवाल के जो है अच्छे से जवाब दे पाया। और फिलहाल के लिए इतना ही था, जिंदगी रही तो आगे जाके फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी किसी नई आगाज़ के साथ, तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। हमीदुल्ला साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए और हमारे स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद।